नमस्कार, मैं प्रभात और आज हम आपके सामने एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा गोदी मीडिया या उसके एंकर्स नहीं करते हैं और यहाँ तक कि ये खबर की हेडलाइन भी नहीं बनती है। मध्य प्रदेश के एक किसान ने हमें व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप में उन्होंने लिखा कि भारत नहीं मध्य प्रदेश में भी गोदी मीडिया भयंकर रूप से अपना गोद फैला चुकी है। खासकर सीएम के गृह जिले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में तो संपूर्ण ही गोदी मीडिया है। जब तो इतनी बड़ी घटना, 3 गांव के लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जीव जंतु मर रहे, पशु पक्षी मर रहे हैं, मछलियां मर रही हैं, राष्ट्रीय पक्षी मर रहे हैं, कोरोना बीमारी से बड़ी बीमारी फैल रही है, केमिकल प्रदूषण बीमारी या अंधा कानून गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा है, इसलिए गोदी मीडिया नाम रखा है। इसलिए हमें आपसे उम्मीद रखी है कि हमारी मदद तो आप कर ही सकते हैं। जीव जंतु, माल मवेशी, इंसान, किसान, सबकी जान आप ही बचा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के एक किसान ने हमें गाँव सीहोर जिले के एक गाँव से भेजा है और इस व्हाट्सएप मैसेज के बाद हमने उनके इस खबर की ओर ध्यान दिया तो पाया कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना है, पनीर फैक्ट्री, जिससे तमाम तरीके के रोग फैल रहे हैं और उससे इंसान ही नहीं, इंसान के साथ साथ जानवर, तमाम तरीके के लोग मर रहे हैं। इस खबर की चर्चा करें उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं, ये वीडियो देख लीजिए। ये हमारी भैंस का बच्चा है, ये सुबह सुबह इधर चरने गया था, उधर ही है सीवन नदी है, उसमें प्रदूषण पानी पनीर फैक्ट्री वाला आ गया है, उसके कारण इसकी मौत हुई है। इसने सुबह सुबह जाके पानी पिया वहाँ पे और वहाँ से आया और आने के बाद ये यहाँ बैठा, जिसके बाद ये उठा ही नहीं यहाँ से, इसकी मृत्यु हो चुकी है। जब किसी कारखाने की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है तो सरकारें और जिला प्रशासन नींद से जागती हैं। चुनाव में प्रमुख मुद्दा प्रदूषण का नहीं बल्कि हिंदुत्व का बनता है और प्रदूषण से गाय भैंस मर जाएं तो उसको कोई नहीं ध्यान देता है, लेकिन अगर गाय और गोरक्षा के नाम पर उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मिल जाए और उसमें किसी का कत्ल हो जाए, किसी इंसान का, तो उसकी चर्चा दिन रात होती रहेगी और प्राइम टाइम होता रहेगा। लेकिन जब प्रदूषण से कोई गाय भैंस मरे तो उस फैक्ट्री को बंद करने की बात आए तो वहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एक फैक्ट्री की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में जय श्री गायत्री नाम से पनीर फैक्ट्री है। इससे निकलने वाला जहरीला पानी सीवन नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे सीहोर जिले के किसान प्रभावित हो गए हैं। किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जलीय जीवों पर बुरा असर पड़ा है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। गाँव के लोग कई प्रकार की संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, गाय भैंस जैसे कई मवेशी दम तोड़ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर के जय श्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक यह फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने आदेश 19 जनवरी 2022 में पनीर फैक्ट्री का उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद करने और बिजली विभाग को फैक्ट्री का कनेक्शन काटने का निर्देश भी दिया था, लेकिन कलेक्टर तक ने आश्वासन के सिवाय अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बोर्ड के आदेश की इस अवमानना को लेकर अब किसान NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शरण में पहुंच गए हैं। अब देखना यह होगा कि NGT कितना जल्दी इस पर कोई कदम उठाएगा। NGT में शिकायत दर्ज कराने वाले ग्राम पंचायत पिपलिया मीरा के किसान मांगीलाल मेवाड़ा ने बताया कि हमारे गांव में जय श्री गायत्री पनीर फैक्ट्री संचालित है। इसके जहरीले पानी से सीवन नदी पूरी तरह दूषित हो चुकी है, साथ ही इस गंदे जहरीले पानी से आसपास के जल स्रोत, कुएं, ट्यूबवेल रिचार्ज हो रहे हैं, इनसे भी दूषित पानी आ रहा है। इसकी वजह से जल जीव तो पूरी तरह से नष्ट हो ही गए हैं, साथ ही गांव के कई लोग कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त हैं। प्रदूषित पानी के सेवन से पिपलिया मीरा ग्राम के किसान भागीरथ कालूराम नारायण सिंह का लड़का भैयू को कैंसर हो गया। इस प्रदूषित पानी से सवाई सिंह शंकरलाल नामक व्यक्ति की कैंसर से मौत हो गई है। दूषित पानी के सेवन से सोहनलाल का पेट खराब हो गया है, वहीं मोहन के पुत्र की किडनी खराब हो गई है। सुनिए गांव के किसान मांगीलाल मेवाड़ा ने क्या कहा है। पनीर फैक्ट्री सीवन नदी में जो पानी छोड़ी जा रही है, कालो पानी, जहरीलो, वो सब कई
माल मवेशी मनक कैंसर जैसी घातक बीमारी 8-10 आदमी हो रही, किडनी आला हो रही है, उन्हें किडनी फेल हो रही। सीवन नदी में ये पानी छोड़ते छोड़ते 8-10 साल हो गई। कई बार दरखास्त विज्ञापन भोपाल तक पर्यावरण तक लड़ी करी, पर्यावरण ने ऑर्डर भी दे दियो कई काव बंद करने को, मगर आज तक बंद नहीं। इना पानी से कम ये 6 किलोमीटर जगह में ये पानी है अभी नदी में, और ऐसे जिना जानवर ने भी पियो वो साबुत नहीं बचो। पूरा कुत्ता उन्हें खाज हो रही, गांव में खुजली की बीमारी चल रही, पूरा कुत्ता रुमा तक खिर गया कुत्ता। मेवाड़ा के अनुसार गांव के किसान चंद्र सिंह माठ साहब की गाय, रमेश की गाय, खुशीलाल की मवेशी सहित अनेक किसानों की गाय भैंस दूषित पानी के सेवन से मर चुके हैं। सीवन नदी से लगे चंदेरी और तकीपुर सहित कई गाँव के लोग जहरीले पानी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस ओर अभी तक प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या कारण है कि कलेक्टर अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जबकि एनजीटी तक किसानों को पहुंचना पड़ा है और इसके पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपना आदेश दिया है जिसमें फैक्ट्री को बंद करने के लिए निर्देश दिया है। इसके बाद भी जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश की सरकार नींद से जाग नहीं रही है। आखिर जब यह बड़ा हादसा के रूप में कभी बन करके सामने आएगा तभी क्या प्रशासन या सरकारें जागती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।